नमस्कार, आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं ब्लेरो जैकेट लेकर आई हूँ। ब्लेरो जैकेट तो वैसे कई तरह की होती है, ये मैंने सिंपल और सरल तरीके से बनाई है और देखने में बहुत सुंदर है। ये देखो, ये मैंने क्रोशे के साथ किया है। ये बाजू, ये नीचे ऐसे आ जाएगा, ये पीछे आएगी, और आप चाहो तो यहाँ बटन भी लगा सकते हो, कोई ब्रोच लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। बनाने में बहुत सरल है और दिखने में तो सुंदर लग ही रही है। पीछे से ऐसे आएगी। बहुत सरल है। चलो आपको बनाना सिखाते हैं। ये 2-2.5 साल के बच्चे की है। आप चाहो तो बड़ी बनानी हो तो ज़्यादा फंदे डाल लेना। तो ये चलो बनाना सिखाते हो आपको। ये देखो, मैंने इतना बना लिया। ये मैंने 32 फंदे, 32 जोड़ और 64 फंदे मैंने डाले हैं। ये 2 साल के बेबी के लिए हैं। ये मैं ब्रेरो जैकेट बना रही हूँ और ये मैंने 1 2 3 4 5 6 छः सीधी सिलाई डाल के मैंने जाली डाल ली है, और बाकी मैंने प्लेन प्लेन बीच में बुना है, सीधी उल्टी सिलाई। ये मैंने सीधी सीधी सिलाइयाँ डाली है। जो जाली डाली है वो आपको मैं बनाना सिखाती हूँ। एक सीधा धागा आगे, 2 का 1, फिर धागा आगे, 2 का 1, फिर धागा आगे, 2 का 1, फिर धागा आगे, 2 का 1, धागा आगे, 2 का 1। सारा ऐसे ही जाली बनानी है। 2 का 1 करते जाना और धागा आगे करके 2 का 1 कर देना। बाकी सिंपल है, सीधी सीधी सिलाइयाँ ही हैं। धागा आगे, 2 का 1, धागा आगे, 2 का 1। ऐसे बनाकर इतना बना लो। 27 इसकी मैंने लंबाई रखनी है। ये आप बनाकर सीधा उल्टा बुन के आप इतना बना लो, फिर आगे आपको मैं बताती हूँ। ये देखो, ये मेरा कंप्लीट हो रहा है। अब इसे हम बंद कर देंगे। आप अपने बच्चे के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो। ये देखो, पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। अब इसे बंद करना है। तो कैसे, सिंपल तरीके से बंद कर देना है।
ऐसे पूरा बंद कर देंगे हम। आपको पूरा बंद करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। ऐसे पूरा आप भी वैसे बंद कर देना। देखो मैंने बंद कर लिया। ट्वेंटी फाइव मैंने इसकी लेंथ रखी है, इसकी चौड़ाई 31 है। 31 अब क्या करना, अब इसको स्टिचिंग करेंगे इसकी ना। इतनी बाजू रख के ना, जितनी बाजू हमारी चाहिए इतनी रख के बाकी इसको हम इससे स्टिचिंग कर देंगे। इतनी हम बाजू रख लेंगे। इधर से भी ऐसे कर लेंगे। जितना उधर से हमने स्टिचिंग की ना उतनी इधर कर लेंगे।
बहुत सरल है बनानी, बिल्कुल सिंपल बुन के। हाँ कोई बुनती डाल सकते हो, और बुनती भी डाल सकते हो, जो नहीं डालनी तो कुछ भी नहीं, सिंपल बना लो। मैंने तो कुछ नहीं डाला, मैंने कहा जिसको बुनना सिर्फ आता है उसे वो आसानी से बना सकता है ये वाला। तीन तीन उंगलियां मैंने छोड़ के, बाकी यार बच्चे के हिसाब से बना सकते हो आप। जो 2-3 साल के बच्चे के आराम से आ जाएगी। बस डबल करके ऐसे सिलाई कर देनी। ये देखो अब हम क्रोशिया बनाएंगे। सेंटर से शुरू किया मैंने, दो और तीन बल दिया, वापस फिर एक चेन, फिर बल, फिर वापस उसी में से एक फंद जो मैंने डाला, एक फंदे में मैं 4 वाई हमने करना है, दो का एक बल दिया, फिर वापस उसी में दो का एक, फिर 3 का 1 करना, फिर 2 का 1 करना, फिर 4 बारी हमने कर लिया। फिर सिंपल ऐसे निकाल के इतना लंबा लूप कर बना के, फिर उसी को एक बार, फिर इसमें 2 किए, फिर इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 में फिर हमने ऐसे
दो और तीन, फिर वल दिया, फिर इसी में दो का एक, तीन का एक, फिर दो का एक, फिर एक चेन, फिर एक सिंपल, फिर वल दिया, फिर इसी मैंने गाया, फिर तीन का दो, दो का एक, फिर एक सिंपल, फिर वल दिया, चार बार हमने इसी में निगाना है, चार हो गए, एक दो तीन चार, इसको लंबा छोड़ के यहां से लंबा छोड़ा, फिर यहां से एक किया, फिर इसी में से एक निगाया, फिर दो का एक कर दिया, फिर हमने छह फिर छोड़ने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ, यहाँ से एक दो और तीन को ऐसा बनेगा, फल दिया, फिर वापस दो का एक, तीन का एक, दो का एक, फिर वल एक सिंपल चेन ली, फिर वल दिया, तीन हो गए, तीन के दो कर लिए, फिर दो का एक कर लिया, फिर एक सिंपल, फिर वल दिया, फिर इसी में निगाया, तीन के दो, दो का एक, फिर एक सिंपल, फिर बल दिया, एक दो तीन चार, इतना छोड़ के इसको पकड़ लो, सिंपल एक, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन, फिर कर लिए, फिर वल दिया, ऐसे हमने एक क्राउन पूरा करना है, ऐसे क्राउन पूरा हो जाएगा, ऐसे पूरा राउंड एक पूरा कर लेते हैं, उसको आगे आप बताते हैं। फिर एक राउंड मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, ये देखो, अब हमने दूसरा राउंड शुरू किया, ये देखो, जो हमने चार बनाए थे ना उनके
सेंटर में हमने अब डालना है, जहाँ चार बनाए थे ना, दो दोनों पास से दो दो छोड़ के सेंटर में हमने एक दो तीन तीन के दो, दो के एक, फिर एक सिंपल, फिर बल दिया, फिर वहां से फिर एक दो तीन चार हो गए हमारे। यहां से पकड़ा, इसके सेंटर में ऐसे हमने फिर जितना आपने चौड़ी, मैंने छह बनाऊंगी ये वाले, ये पूरे छह बना के फिर आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है। ये देखो, ये सारा मैंने कर लिया पूरा राउंड में। ये देखो मैंने व्हाइट लगा दिया बीच में, एक दो तीन चार पाँच छः छः मैंने ये कर दिया। अब बाजू, बाजू को भी मैंने कर दिया, बाजू का मैंने एक दो तीन चार पाँच छः सात और एट्थ वाइट कर दूंगी आपको। मैं दूसरी बाजू स्टार्ट करना सिखाती हूँ। ये आपकी मर्जी है, आपने बाजू पर करना है या नहीं करना, मैंने तो किया है। दो और तीन, दो का एक, फिर बल दे के फिर उसी में तीन के दो, दो का एक, एक सिंपल, फिर चार बार जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही है। लूप बड़ा बनाना, लूप बनाकर इसे लगाकर एक दो तीन चार पाँच छः में दो तीन
ऐसे। अब पूरा कर लो ऐसे, वाइट लगा दिया ऊपर मैंने, एक पूरे राउंड में वाइट आ जाएगा। ऐसे कर लो, फिर आपको आगे बताती हूँ क्या। ये देखो पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, ये बाजू भी और ये मैंने बीच में एक डोरी बनाकर डाल ली है। आप चाहो तो रिबन डाल सकते हो, आप चाहो कुछ भी डाल सकते हो। ये मैंने डोरी डाल ली है। ये कैसे बनाई है, ये बिल्कुल सिंपल है। सिंपल बस चेन सी बना ली मैंने, ऐसे चेन बनाकर। तो इसमें मैंने प्रो दी ये वाली। जो आपको क्रोशिया नहीं आता तो आप ऐसी कोई लैस भी लगा सकते हो, ऐसे जहाँ जहाँ मैंने क्रोशिया किया ना वहाँ ऐसे लैस लगा सकते हो ऐसे। क्रोशिया आता तो वो अच्छी बात है, जो नहीं आता तो ऐसे लैस लगाकर भी आप बना सकते हो। जहाँ कोई बटन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ब्रोच लगा लेना, कुछ भी लगा लेना। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।